ये ना वो डैमेज हो रही है जिसकी वजह से बॉडी में स्पर्म बनना ही बंद हो जा रहा है। अच्छा करने के बजाय वो आपको टॉक्सिन ही बॉडी में डेवलप करेगा। सर्दियों में गर्मियों की सब्जी मिल रही है अभी, इसीलिए हमेशा कहा गया कि वॉकिंग आपको अर्ली मॉर्निंग। थैंक यू डॉक्टर शबीना फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच मुझे अपने इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। मैं डॉक्टर शबीना जावेद, गायनी एंड ऑप्स एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। हम बहुत ही खुशी होती है आपके साथ ये प्रोग्राम करने में और इस तरह की बातें करने में, जिससे सबको, मतलब हमारे आने वाले यूथ को, हमारे आने वाले जनरेशन को कुछ बेनिफिट्स हो सके हम लोगों के द्वारा। जब हम इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी की बात करता है, इट कम्स टू एग क्वालिटी एंड स्पर्म क्वालिटी। हम नेचुरली घर में बैठ के कैसा एग हेल्थ इंप्रूव करना है या स्पर्म हेल्थ इंप्रूव करना है, ये डिस्कस करना चाहती है। मेरा फर्स्ट सवाल है, कैसा लाइफस्टाइल चेंज करे कि स्पर्म या एग क्वालिटी थोड़ा बढ़ाते हैं? आज हम लोग बात करने बैठे हैं कि हम लोग हर्बल तरीके से और घरेलू उपाय से अपने एग को और ओव्यूम को, यानी कि अंडे को, हम लोग कैसे अच्छा बना सकते हैं जिससे हमारी हेल्दी प्रेगनेंसी हो और जल्दी प्रेगनेंसी हो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे फीमेल की, क्योंकि हमेशा फीमेल को ही टारगेट माना जाता है, फीमेल को ही वीक कहा जाता है, तो ऐसा बोला गया है, ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं। कि हम लोग बात करते हैं फीमेल्स के ही कि उनके एग खराब क्यों होते हैं। सबसे पहले तो हम जान लें, हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं, थोड़ा एज ए स्टोरी की तरह। आज से 10 साल पहले लड़कियों को पीरियड शुरू होता था 13 से 15 साल की उम्र में। आज लड़कियों को पीरियड शुरू होता है 9.5 से लेकर के 11 और 12 साल की उम्र से। क्लास 4 के बच्चियों को पीरियड शुरू हो जा रहा है। जब अभी बॉडी ही डेवलप नहीं हुई है और पीरियड शुरू हो जाएगा, इट्स मीन कि कहीं ना कहीं वीकनेस तो है। पीरियड तो शुरू हो जा रहा है लेकिन उनका रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा, उनके बॉडी का जो रिपेयरिंग, क्योंकि अब पीरियड आ गया तो हर मंथ उनके बॉडी में अप एंड डाउन, ब्लड सारी चीजें बनती रहेंगी, सारे हार्मोन्स अप एंड डाउन होंगे, लेकिन वो रिपेयर नहीं हो पा रहा है। रिपेयर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारे समाज में ये बात कही गई है कि अगर आपके घर में एक बेटा और एक बेटी है तो आप अपने बेटे को अच्छा भोजन दीजिएगा, बेटी को थोड़ा कम दीजिएगा। ये हमेशा से ये ऐसी सोच रही है और हम लोगों ने अपने बचपन को भी देखे तो ऐसा हम लोगों को देखने को मिला है कि अगर घर में कोई अच्छी चीज आती है तो भाइयों को पूरी मिलती है। अगर एप्पल आया तो भाई को पूरा एप्पल मिलेगा और लड़कियों को हाफ काट के मिलेगा, यानी तुम लोग शेयर कर लो। ये हर जगह पर ये बात रही है, क्योंकि हम बिल्कुल ये उल्टा होना चाहिए। लड़कियों को प्रॉपर डाइट की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में जब पीरियड शुरू होता है तब से लेके पीरियड बंद होने तक, यानी कि मेनोपॉज तक, बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन होती हैं, टूटती हैं, बनती हैं, रिपेयर होती हैं, रिजनरेशन होती है, हार्मोन इम्बेलेंस होते हैं, बार बार हार्मोन्स चेंज होते हैं। जैसे जब पीरियड आया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हुआ, फिर अप हुआ, फिर ग्रोथ किया, फिर डाउन हुआ, फिर कुछ हुआ, फिर यूट्रस के अंदर के लेयर बनने हैं, उसके और भी चीजें होनी, तो बहुत सारी चीजें उनके लाइफ में एक साथ चलती रहती है। तो लड़कियों को, महिलाओं को प्रॉपर डाइट की जरूरत तो क्लास 4 से ही पड़ गई। जो हमारे माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देते, हमारे पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते, आगे चल करके ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजीज में कन्वर्ट होता है, जिसमें लो एग या फिर अंडा का ना बनना, अंडा का ना फटना या बहुत कम बनना, ये सब चीजें शामिल होती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, आने वाले पिछले 5 से 10 सालों में देखा गया है कि लोग फास्ट फूड की तरफ ज्यादा मूव किए हैं और डब्बा बंद चीजों की तरफ ज्यादा मूव किए हैं। डब्बा बंद खाना ही नहीं होता, हमारे अचार, सॉसेस, हमारे बटर्स, हमारे चीज, ये सभी डब्बा बंद चीजों में आते हैं। इनका इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ये चीजें भी कहीं ना, क्योंकि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव मिक्स होता है, ये चीजें भी कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का और पीसीओडी, पीसीओएस और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजीज का भी एक कारण बने। पहले पीसीओडी और पीसीओएस के पेशेंट 10 to 12% मिलते थे, बट टुडे 80 to 85% लड़कियां, फीमेल्स, बच्चियां पीसीओडी, पीसीओएस में कन्वर्ट हो चुकी है। पीसीओडी का, पीसीओएस का अभी भी कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट है वो आपका हर्बल है और आपका डेली रूटीन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी डाइट और डेली रूटीन आपका बेटर है तो आप इस बीमारी से काफी हद तक खुद को बचा सकते हैं। मुझे एक आर्टिकल में देखा कि फॉर अ वुमेन व्हेन शी रीचेस 30 इयर्स ऑफ एज, तब तक उसका एग रिजर्व 88% खत्म हो जाता है। सो 30 से लेके द रिमेनिंग पार्ट ऑफ हर फर्टाइल पीरियड 12% एग्स में चलता है। जैसे जैसे उम्र कटेगी, जैसे अभी हमने आपको बताया कि अब पीरियड बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, इट्स मीन कि पीरियड बंद भी बहुत जल्दी होगा, लेकिन जब हमारे एज का जो पीक टाइम होता है, यानी कि पीरियड शुरू होने से आप मान के चले 18 से जो 25 साल का एज अभी होगा,
वो हमारा गुड हेल्थ गुड एक का टाइमिंग होगा। बट 18 से 25 साल की एज में अभी बच्चियां या लड़के पढ़ रहे हैं, वो अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो वो शादी वादी या बच्चे के बारे में सोचते ही नहीं है। जब हमारा 10 और 12 साल की एज में पीरियड शुरू हुआ है तो वो मेनोपॉज भी हमारा 35 और 40 के बीच में आएगा। जब हम 30 और 35 के बीच में पहुंच रहे तो शादी कर रहे हैं, अब 2 साल के बाद पता चला कि उनको मेनोपॉज हो गया। शादी के बाद भी आज बच्चियां सोचती हैं कि पहले हम फैमिली समझ लें, पहले खुद को सेटल कर लें, वहां की चीजों को समझ लें, फिर हम बेबी प्लान करेंगे। तो होता क्या है कि वो टाइम इतना कट चुका होता है ना कि उनके एक की जो क्वालिटी होती है ना वो बैड हो जाती है। एक या तो बनते नहीं है, बनते हैं तो वो रैप्चर नहीं होते, रैप्चर नहीं होते तो मूवमेंट नहीं होता, फिर प्रेगनेंसी लेने में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। आर देयर एनी फूड दैट वी कैन ईट टू बूस्ट एग क्वालिटी? फीमेल्स, अगर हम यहीं पर अगर मिल्क की बात करें साथ साथ में, क्योंकि दोनों का फिर हम लोग डाइट के साथ साथ में बात भी कर लेंगे, ठीक है, मिल्क की बात करें आज के डेट में बॉयज में, लड़कों में या फिर मेल पर्सन में जो स्पर्म काउंट खराब आते हैं ये भी बहुत ज्यादा देखने को मिला है। पहले स्पर्म काउंट खराब उनके आते थे जिनको बहुत स्ट्रेस में होते थे या जो बहुत नशा करते थे, या वो लोग किसी ऐसे विदेश वगैरह में काम करते थे जहाँ का एटमोसफेयर बहुत ही हॉट होता हो तो उनके स्पर्म काउंट बहुत ही बैड आते थे। बट आज की अगर देखा जाए सम एरा में तो 20 to 25 ईयर्स के लड़कों में बॉयज में भी स्पर्मिया की या फिर अलगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। उसके कई रीजन हैं। जब लड़कियों में पीरियड जल्दी आ रहा है तो इट्स मीन कि बॉयज तो जल्दी यंग्स हो रहे हैं, उनके अंदर भी हार्मोनल चेंजेस वक्त से पहले हो रहे हैं, उनको मास्टरबेशन शुरू कर लेते हैं, वो एड्स वगैरह देख करके या टीवी में, अब तो मोबाइल पर हर इंटरनेट पर चीजें बहुत तेज फ्लो करती हैं, उसको देख के वो बैड हैबिट्स में आ जाते हैं, वो नशे की तरफ मूव करते हैं, वो भी बाहर के फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं, दूसरे मोबाइल को अपने जो थाई के पॉकेट में रखते हैं वो भी कहीं ना उसके रेडिएशन से कहीं ना कहीं भी स्पर्म काउंट पर इफेक्ट आ रहा है। दूसरे बहुत टाइट जीन्स पहनना, अंडरगार्मेंट बहुत टाइट पहनना, तो उससे भी उनको प्रॉब्लम होती है। एक और बहुत देखने को प्रॉब्लम आई कि वेरोसिल यानी कि स्क्रोटम और पेनिस के बीच में जो एक वेंस होती है ना वो डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से बॉडी में स्पर्म बनना ही बंद हो जा रहा है। ये भी बहुत कम में देखने को मिल रही है। What causes the damage of varicose? वो हमने बताया, जैसे हमने बात अभी बात की कि बहुत टाइट जीन्स पहनने से, बहुत टाइट कपड़े पहनने से, आजकल नैरो जीन्स नैरो लोअर पहनने का लड़कों में बड़ा क्रेज है, वो अंडरगार्मेंट्स भी बहुत टाइट पहनते हैं। आप देखें कि अगर पहले के इंडियंस, आई डोंट नो कि आपके यहाँ कैसे होता है, बट इंडियंस में हमारे जो फादर वगैरह हुआ करते थे तो वो जांगिया पहनते थे, वो ढीला ढीला झोला टाइप समथिंग वो पहनते थे। तो आज के जो बच्चे वो अंडरगार्मेंट्स बहुत टाइट पहनते हैं, जीन्स बहुत टाइट पहनते हैं, वो सारा दिन टाइट्स पहन पहन कर घूम रहे हैं, तो उसमें भी सारे वेन्स वगैरह डैमेजेस होते हैं, उनके स्क्रोटम के जो पार्ट होते हैं उस पर प्रेशर बनने की वजह से उसमें सूजन आ जाती है, उसमें कुछ ना कुछ डैमेजेस होते हैं जो स्पर्म क्वालिटी को भी खराब करते हैं, वो उसके वजह से प्रॉब्लम आया है। और आज की डेट में जो सबसे ज्यादा देखने को मिला है वो बाहर की चीजें खाने से। स्ट्रीट फूड कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है छोटे शहर में, देख ले क्योंकि हम बहुत छोटे शहर में रहते हैं, हम लोग मतलब बहुत बड़े शहर में, हम गांव में रहते हैं, इस गांव में हम ये देखते हैं कि शाम को 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक स्ट्रीट फूड इतने धड़ल्ले से मिलते हैं और उसमें बिल्कुल बैड क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं बॉयज के स्पर्म पर इफेक्ट कर रहा है। सो इट कम्स डाउन टू बैड क्वालिटी फैट और ऑयल यूज्ड। बिल्कुल, अभी क्या है कि बहुत बहुत सारे रिफाइंड ऑयल कंपनियों ने, नाम तो नहीं ले सकते पर बहुत सारे रिफाइंड ऑयल कंपनियों ने वो रिफाइंड ऑयल का जो प्रचार शुरू किया, लोगों ने अपनी डाइट में रिफाइंड ऑयल शुरू किया, तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है हमारे बॉडी को में डैमेजेस की, वो एक क्वालिटी में डैमेजेस, स्पर्म काउंट में डैमेजेस वो भी कर रही है। अब हम लोग बिल्कुल हर्बल की तरफ आ रहे हैं। आने का सबसे बड़ा रीजन है कि यहीं पर आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलेगा, क्योंकि आप कहीं और कुछ नहीं मिलना है। आप सरसों का तेल यूज करें, आप बादाम का तेल यूज करें, आप जैतून का तेल अपने खाने में यूज करें, इवन कोकोनट ऑयल यूज करें, तो ये चीजें ज्यादा बेनिफिशियल है बशर्ते रिफाइंड ऑयल के। रिफाइंड ऑयल एक तरह का जहर है जो हम लोग अपने खाने में शामिल कर रहे हैं और उसको बहुत धड़ल्ले से ले रहे हैं। Let's come to food that we can eat. ऐसा कुछ food है that we can eat to improve quality of sperm and egg? हम लोग अगर हम फीमेल की बात, सबसे पहले हम फीमेल की बात करेंगे, तो उनको कुछ चीजें अपने खाने में शामिल करनी पड़ेंगी, जैसे उनको बीज, जस्ट लाइक उनको पंपिंग सीड और चिया सीड वगैरह या तिल के बीज, वो अपने खाने में शामिल करें। और खाने का तरीका बहुत ही यूनिक है, पंपिंग सीड को और तिल के सीड को दोनों बराबर मात्रा में लेकर के उसको ड्राई रोस्ट करके उसको बारीक पीस लें, जिस दिन पीरियड शुरू होता है उस दिन से लेकर मात्र 14 दिन वो खाएं, क्योंकि 14 दिन तक उनके पीरियड का जो लेवल होता है वो लो होता है, पंपिंग सीड उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है।
14 दिन खा के बंद कर दें, उसके बाद फिर वो कुछ नहीं करें, जब पीरियड आए तो उस दिन से फिर शुरू करें, फिर 14 दिन खाएं। वो ऐसा मंथ में 3 बार करेंगे तो काफी हद तक उनको रेगुलर पीरियड में और अच्छी क्वालिटी में, एक की अच्छी क्वालिटी हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि वो अपने खाने में ओमेगा 43 शामिल करें। अगर फिश खाती हैं तो फिश खाएं या ओमेगा 43 वो रिसोर्सेस के थ्रू वो अपने खाने में शामिल करें। मौसम के फल खाएं, कभी भी मौसम के बाहर के फल नहीं खाने चाहिए, वो आपको अच्छा करने के बजाय वो आपको टॉक्सिन सी बॉडी में डेवलप करेगा। जिस सीजन का जो फ्रूट हो वो सीजन के फ्रूट खाएं, उसी सीजन के सब्जी भी खाएं। जनरली क्या होता है कि सर्दियों में गर्मियों की सब्जी मिल रही है अभी, अच्छा करने के बजाय वो आपको टॉक्सिन सी बॉडी में डेवलप करेगा। जिस सीजन का जो फ्रूट हो वो सीजन के फ्रूट खाएं, उसी सीजन के सब्जी भी खाएं, सीजन के फल खाएं सबसे पहले, प्रॉपर मात्रा में साफ पानी पिए। अगर घर में साफ पानी अवेलेबल नहीं हो तो उसको बॉयल करके ठंडा करके फिर पिए। अपने खाने में पल्सेस शामिल करें, प्रोटीन शामिल करें, और गेहूं को रोटियां जो कि हम लोग गेहूं की जनरली खाते हैं उसको कम करें, और राइस को जब भी गेहूं के बजाय वो बाजरा यूज करें, रागी यूज करें रोटी में, गेहूं की रोटी में या गेहूं में बराबर मात्रा में जितना वो गेहूं ले रहे हैं उसमें चना का आटा शामिल कर दें जिसको हम लोग सत्तू बोलते हैं, या बाजरे का आटा शामिल कर दें। थोड़ी थोड़ी चेंजेस अगर अपने खाने में लेकर के आएंगे ना तो बहुत सारी बीमारियों से स्पेशली इनफर्टिलिटी से हम लोग काफी हद तक बच सकते हैं। और सबसे बड़ा पॉइजन अगर इनफर्टिलिटी और पीसीओडी एंड पीसीओएस में है वो है शुगर। अपने खाने से शुगर को बिल्कुल आउट करें। इवन आप बाहर की जो मिठाई खाते हैं ना वो शुगर की बनी हुई है वो भी बिल्कुल ना लें, रिप्लेस करें उसको शुगर केन से यानी कि गुड़ से, शुगर को हटा करके गुड़ को शामिल करें। Our ancestors were using the right kind of food, but हम कन्वीनियंस देख के मॉडर्न डे लाइफस्टाइल ने बर्बाद कर दिया। सीजन के खाना खाने के लिए बहुत सही एडवाइस है ये। और बिल्कुल हमेशा सीजन खाना खाएं, हमेशा जहाँ का जो एटमॉस्फेयर हो वहाँ के उसके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो फ्रूट्स मिले, जो वेजिटेबल्स मिले वो जरूर खाएं। और हमारे यहाँ कहा गया है, इंडिया में कहा गया है कि मोटे अनाज, मोटे अनाज जैसे रागी बाजरा ओट्स, इसको मोटे अनाज कहे गए, ये अपने खाने में जरूर शामिल करें। What about male factor? मेल में अगर हम बात करें, बॉयज की अगर हम बात करें, अपने हर इनफर्टिलिटी पेशेंट को हम बोलते हैं कि भैया जब तक आप ट्रीटमेंट करो जींस पहनना छोड़ो, कपड़े वाली पैंट पहनना शुरू करो। यस, कभी कभी बड़ी हंसी आती है लेकिन हम लोग हंसी को कंट्रोल करके बोलते हैं कि सामने वाला ऑकवर्ड फील ना करे। और थोड़ा ये टॉपिक भी ऐसा है कि आप हंस नहीं सकते हो क्योंकि बिल्कुल आप किसी पेशेंट के या फिर किसी कपल के बिल्कुल बेड की बातें आप पूछ रहे हो तो थोड़ा सा आप उसको ऐसा जोक में भी नहीं ले सकते हैं। तो बहुत सीरियस होकर बोलना पड़ता है कि आप इसको, आप जींस को हटाओ, कपड़े वाली पैंट पहनो, लोअर पहनो, जब तक आप ट्रीटमेंट में हो थोड़ा ऐसे करो थोड़ा वैसे करो, मतलब बहुत सारी चीजें उनको सिखानी पड़ती है। दूसरे सबसे बड़ी बात है कि उनको अपने मास्टरबेशन पे कंट्रोल करना होगा। मास्टरबेशन की हैबिट आएगी और वो हैबिट कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी पर भी कॉज करती है, और आफ्टर मैरिज उनको अपनी पर्सनल लाइफ यानी मैरिड लाइफ भी जीने में बहुत ही एम्बैरेसिंग फीलिंग करवाती है। आई वांट टू कम बैक टू हाइड्रेशन, पानी या जूस, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? नहीं, लिक्विड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बॉडी में पानी के लेवल जो होते हैं वो बिल्कुल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर पानी का लेवल कम होगा तो उनके बॉडी में ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं करेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। और कहते हैं जो पानी होते हैं वो बॉडी क्लीन भी करता है और बॉडी को फ्रेश भी रखता है, इसलिए वाटर का इनटेक आपका प्रॉपर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेट। जितना जिसका वेट होता है उसके अकॉर्डिंग इनटेक ऑफ वाटर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट 40 केजी है, 40 केजी है तो आपको कम से कम 2 लीटर वाटर आपको 24 आवर में इनटेक करने हैं, तो 20 केजी पर 1 लीटर का एक रेशियो बनता है। जिसका जितना वेट हो उसके अकॉर्डिंग उतना उसको पानी लेना चाहिए, और वो पानी को ओनली प्लेन वाटर ना लेकर के वो कुछ जूस भी ले सकता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स भी ले सकता है, वो भी उसको उतना ही बेनिफिशियल करेंगे। What about tea and coffee? Coffee is the best option, but tea is a bad option. Tea, इंडियन कल्चर जो है वो ब्लैक टी का कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। हमारे इंडियन कल्चर में, भारतीय सभ्यता में दूध वाली चाय पीने का बड़ा कल्चर है, वो भी बिल्कुल उसको बॉयल करते 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 बिल्कुल कलर चेंज कर देने के बाद, बिल्कुल गाढ़ा मतलब बहुत ही थिक करने के बाद ही उसको लेते हैं। तो इससे जो चाय का बेसिक नेचर था ना वो चेंज हो जाता है। अगर हम ब्लैक टी लें तो ये अच्छा है, लेकिन जो दूध के साथ हम लोग 10-15 मिनट बॉयल करते रहते फिर उसको बिल्कुल एक थिक टी करके लेते हैं तो वो हमको बहुत हार्म करता है, बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है।
सबसे पहले तो वो आपको एसिडिटी क्रिएट करवाएगा. एसिडिटी इट्स मीन कि कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन का मतलब है आपको पूरे बॉडी का चैनल डिस्टर्ब हो गया. सब किसी भी बीमारी का जो सबसे बड़ा कॉज होता है ना, वो कॉन्स्टिपेशन होता है. अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो वो डिफरेंट 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 टाइप की डिजीज उसके बॉडी में डेवलप करती रहेगी. तो कॉन्स्टिपेशन अपने आप में एक बल्क डिजीज है. तो कॉन्स्टिपेशन भी आपको चाय से होनी है. कॉफी इज अ गुड ऑप्शन. कॉफी आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, बट दूध वाली चाय मिल्क टी इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. एज रिलेटेड डिक्लाइन इन एग्स एंड स्पर्म आर वाइडली सीन. अगर आपका उम्र बढ़ गया तो एग और स्पर्म क्वालिटी भी बहुत खराब हो जाता है. इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन डू टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ एग एंड स्पर्म बीइंग बैड? तो मोबाइल का यूज जो बहुत ज्यादा हुआ वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों को स्पेशली डिक्रीज किया है. स्पर्म की क्वालिटी को डिक्रीज किया है, एग की क्वालिटी को. और यहाँ पर एक चीज और भी, जैसे हमारे एक क्लाइंट ने या एक मेरे पेशेंट ने हमसे सवाल किया था, तो क्या मोबाइल यूज करना छोड़ दे, मतलब दिस इज वो इनफर्टिलिटी का पेशेंट था. शी सेज कि क्या हम मोबाइल यूज करना छोड़ दें. हमने उनको एक एग्जाम्पल दिया. चाकू नाइफ बहुत इंपॉर्टेंट टूल है घर में. नाइफ के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो. आपको हर काम नाइफ से करना होता है. चाकू आपको किचन में हमेशा चाकू चाहिए, हर काम के लिए चाकू चाहिए. इट्स मीन कि क्या चाकू लेके आप सोने जाइएगा, चाकू लेके आप बाथरूम जाइएगा, चाकू लेकर के आप नहाने जाइएगा, चाकू लेकर आप खाना खाने बैठिएगा? ऐसा तो नहीं है ना कि चाकू अगर आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है घर में, इंपॉर्टेंट टूल है, तो उसको आप हर जगह लेकर के मूव करिएगा. दिस इज मोबाइल. वैसे ही मोबाइल है. मोबाइल एक टूल है जो आपकी लाइफ को इजी बनाता है. इट्स मीन कि आप उसको बाथरूम में लेके, वॉशरूम में लेके बैठे हुए हैं, आप टॉयलेट बैठ रहे हैं तो मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, आप खाना खा रहे थे मोबाइल लेके बैठे हुए, तो आप उसको दूर करो. जिसकी जितनी जरूरत हो उतना उसका यूज करो, उसके बाद उसको हटाओ. उसके बाद अपने आप टाइम को, एक गुड टाइम अपने फैमिली के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने हस्बैंड के साथ में आप उसको इन्वॉल्व करें, जिससे आपके लाइफ का टेंशन, एंग्जायटी, डिप्रेशन कम हो और आपके बॉडी में एक्सेस बनने वाले टॉक्सिन्स कम हो और उससे उभरने वाली बीमारियां कम हो, जिसमें आपका स्पर्म भी शामिल है और आपका एग की क्वालिटी भी शामिल है. Wonderful. Now coming back to one of the last question that I want to ask you, hormonal imbalance बहुत ज्यादा बात करती है. हो गया हार्मोनल इम्बैलेंस, लेकिन क्या कर सकता है घर में कि हम ये लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक रख सकता है? मॉर्निंग से लेकर के बेड तक की हम लोग बातें करते हैं मोटा मोटी. इसमें आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कब क्या करना चाहिए. हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, इसको फॉलो करना है. यस राइट. तो बस हमको इसी को फॉलो करना है. कोई नई चीज नहीं लानी है. कोई इस वर्ल्ड में कोई नया कुछ नहीं हुआ. हम लोगों ने अपनी चीजों को भूल गए. भूल कैसे गए? हम लोगों ने तारे, स्टार देखना भूल गए. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जब हमने देखा था तो हमने पढ़ा था. आज बच्चे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार देखना ही भूल चुके हैं. स्काई वो देखना भूल चुके हैं. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वो भूल चुके हैं. उनको पता ही नहीं है. इवन इन चीजों को वापस हमको अपनी लाइफ में शामिल करना पड़ेगा. और शामिल करने के लिए पहले हम पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व हों. अगर हम जल्दी उठेंगे, सुबह से हम लोग बात करते हैं, सुबह आपको अर्ली उठना है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एक ऐसे हार्मोन या एक ऐसे ऑक्सीजन रिलीज होती है जो आपके बॉडी के लिए बहुत गुड होती है. इसीलिए हमेशा कहा गया कि वॉकिंग आपको अर्ली मॉर्निंग करनी. क्यों नहीं कहा गया कि आपको 9 बजे वॉकिंग करनी? क्यों नहीं कहा गया आपको 12 बजे वॉकिंग करनी है? आपको वॉकिंग करनी है अर्ली मॉर्निंग. वॉकिंग करें, गर्म पानी पिए, उसके बाद वॉशरूम जाए, फ्रेश हो, साथ में कुछ आप ब्लैक टी वगैरह लें. दूध की चाय मॉर्निंग में मना किया गया है ड्यू टू गैस होती है, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजों की होंगी. आपको अपना ब्रेकफास्ट प्रॉपर लेना है. आज की जनरेशन ब्रेकफास्ट को अवॉइड करती है. भागम भाग, जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी जाओ. नहीं, आपको इत्मीनान से आधे घंटे अपने ब्रेकफास्ट को देना है. प्रॉपर डाइट लेनी है. आपको मालूम है कि ब्रेकफास्ट आप जैसा लेंगे पूरे दिन की आपकी एनर्जी का लेवल वैसे ही होगा. सुबह में आपकी एनर्जी पीक होती है. जैसे जैसे सन राइज होगा, डाउन होगा, वैसे वैसे आपकी एनर्जी भी राइज एंड डाउन होगी. कभी आप फील करें शाम को 4 बजते बजते बिल्कुल टायर्डनेस आने लगती है, जब तक कुछ नहीं होने वाला. इसलिए होता है कि हमारे बॉडी में वो एनर्जी डेवलप ही नहीं कर पा रही है. हम रिचार्ज ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमने अगली रात हम देर तक जागे थे, प्रॉपर नींद नहीं ली. तो आप अपना वो चीज शामिल करें. आपका ब्रेकफास्ट प्रॉपर होना चाहिए. आपके ब्रेकफास्ट में दाल, रोटी, सब्जी प्रॉपर होनी चाहिए. आप दूध लेते हैं दूध लें, कुछ जूस लेते हैं जूस लें. उसके बाद एक फ्रूट जरूर होना चाहिए जो सीजन का फ्रूट हो. दोपहर का भोजन, लंच आपका होना चाहिए, उसमें आप फाइबर शामिल करें. क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोग सिर्फ दाल चावल, जैसे इंडियन जो फूड कल्चर है
तो लोग दाल चावल सब्जी खा लिया, उसमें आप सैलेड नहीं डालें, जनरली सैलेड का कल्चर इंडियन नहीं है, तो आप उसको सैलेड शामिल करें। एक शाम का हल्का नाश्ता जरूर रखें, प्रॉपर पानी लेते रहें। आप उसका कुछ दिन करने के बाद आप खुद देखेंगे कि जो लोग इस डाइट को फॉलो करता है, इस लाइफ स्टाइल को फॉलो करता है, ऑटोमेटिकली उसके एनर्जी का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। वो शाम तक बड़ा एक्टिव रहेगा, बड़ा रिचार्जेबल रहेगा, क्योंकि आप ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। रात का खाना 7-8 बजे के बाद ना करें। लेट नाइट डिनर करने से भी आपके ब्लोटिंग शुरू हो जाएगी, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, तो आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो फिर अर्ली मॉर्निंग अच्छी नहीं होगी, फिर सेम डे पूरा दिन वैसे ही कटेगा। तो आप 7 और 8 के बीच में अपने डिनर को कंप्लीट कर लें, डिनर लेने के थोड़ा सा वॉक करें, 1 से 1.5 घंटे के बाद सोने जाएं। उसके बाद जब आप 10 बजे तक से सो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी नींद 3:30-4 बजे आप उठ ही जाएंगे, क्योंकि 6 to 7 आवर की नींद बहुत अच्छी होती है, इज अ गुड टाइम ऑफ नींद की। इतनी नींद सफिशियंट है हमारी हेल्दी बॉडी के लिए। जो भी इस लाइफ स्टाइल को फॉलो करेगा उसका हार्मोनल इम्बेलेंस 1 से 1.5 महीने में वो नॉर्मल होने लगेगा, क्योंकि बॉडी भी समझ जाएगा कि अब हमको इसी पैटर्न पे चलना है। तो अपने आप को वापस से हम लोग को रिकॉल करना है, वापस से अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज में आना है। और हमको लगता है इट्स माय एक्सपीरियंस, जो हम अब तक इतने हर्बल टाइप से आकर देखें, अपने नेचर को, अपने यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोले, क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी रिवर्स करके आपके पास लौट करके आती है। तो अपने यूनिवर्स को हमेशा थैंक यू बोले और अपने यूनिवर्स को जरूर देखें, उगते हुए सूरज को देखें, स्काई को देखें, स्टार्स को देखें, और कम से कम 2 से 5 मिनट उस जगह पर जरूर बिताएं। ये आपके बॉडी के बैलेंस करती हैं, ये सारी चीजें ना बॉडी के सारी चीजों को बैलेंस करती हैं। ये जरूर शामिल करें अपनी लाइफ में। आप यूनिवर्स का एनर्जी किसी को नहीं पता, आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलकर तो देखो। अगर आप 7 डेज ओनली वन वीक आप मॉर्निंग में आप एक बार यूनिवर्स को, अंधेरा होने से पहले आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलो कि ठीक है, मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई, जो भी हुआ, अच्छा हुआ, खराब हुआ, एवरीथिंग के लिए थैंक यू। इस यूनिवर्स को बोले, विद इन 1 वीक आप देखेंगे कि आपके अंदर इतना पॉजिटिव एनर्जी, इतनी चीजें पॉजिटिव, हर चीजों से लड़ने के लिए आपके पास एनर्जी, शक्ति, सब कुछ शामिल हो जाएगा। That's beautiful, summed up beautifully. हमारा आज टॉपिक में मुझे लर्न किया कि टू इम्प्रूव स्पर्म एंड एग हेल्थ, 1 इज माइंडफुल लिविंग, गुड लाइफ स्टाइल, क्लीन हेल्दी फूड, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला लाइफ स्टाइल लेना है, ईट फूड विच इज सीजनल, जो सीजन में मिलता है वो खाओ, और जूस पानी वेरी इंपॉर्टेंट राइट, एंड दीज आर द नेचुरल मेथड्स यू कैन इम्प्लीमेंट टू बूस्ट योर एग एंड स्पर्म हेल्थ। वेरी गुड, थैंक यू डॉक्टर शबीना, थैंक यू सो 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 मच, थैंक यू सो मच, नमस्कार, नमस्ते।